इस बीच यूक्रेन ने बम गिराकर रूस के एक टैंक को उड़ाने का दावा किया। जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन रूस के कई टैंकों को निशाना बना चुका है। इसी कड़ी में यूक्रेन ने रूस के एक और टैंक को तबाह कर दिया, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें हवा से एक बम गिरता नजर आया और जैसे ही बम नीचे खड़े रूस के उस टैंक पर गिरा, उसमें जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से उसके परखचे उड़ गए। तस्वीरों में आग की लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठता दिखा और उस टैंक का नामोनिशान मिट गया। यूक्रेन का दावा है कि उसने ड्रोन के जरिए बम गिराकर रूस के उस टैंक को तबाह कर दिया। हालांकि रूस की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया, लेकिन यूक्रेन ने ये वीडियो जारी कर साफ कर दिया कि जंग के मैदान में अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता रहेगा तो यूक्रेन भी उसे मुंह तोड़ जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। वहीं रूस के मीडिया ने दावा किया कि पुतिन की फौज ने यूक्रेन के घुसपैठियों की साजिश को नाकाम कर दिया। रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन के कई घुसपैठियों ने रूस के ब्रयांस्क शहर में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश को रूसी सेना ने नाकाम कर दिया। रूस ने यह भी आरोप लगाया कि यूक्रेन के घुसपैठियों ने गोलीबारी भी की। रूस का ब्रयांस्क शहर यूक्रेन की सीमा के पास पड़ता है, जहां कई बार धमाके की खबरें भी सामने आती रही हैं। यूक्रेन की सेना पर इस शहर में ड्रोन हमले के भी आरोप लगते आए हैं। हालांकि यूक्रेन अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताता रहा है, लेकिन इस बार रूस के मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के कुछ घुसपैठियों ने इस शहर में गोलीबारी करते हुए घुसने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। उधर सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया ने दावा किया कि ड्रोन की कमी से जूझ रहे रूस ने ईरान के ड्रोन शाहिद 136 की नकल कर उसे बनाना शुरू कर दिया। इस ड्रोन को बेहद खतरनाक माना जाता है, क्योंकि ये ड्रोन अपने टारगेट से टकराकर फट जाता, जिसकी वजह से भारी तबाही होती है। इस आत्मघाती ड्रोन ने यूक्रेन में जमकर कहर बरपाया, लेकिन अल अरबिया न्यूज चैनल के मुताबिक रूस ने इसे अपने यहां ही बनाना शुरू कर दिया। यानी जंग में यूक्रेन की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि रूसी फौज पहले ही शाहिद 136 ड्रोन से हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रही। ऐसे में अगर रूस बड़े पैमाने पर इस ड्रोन को बनाने में कामयाब हो पाया तो वो यूक्रेन में बड़ी तबाही मचा पाएगा। ईरान पर जंग की शुरुआत से ही रूस को आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 देने के आरोप लगते आए हैं। हालांकि ईरान ने इस आरोप को हमेशा गलत बताया, लेकिन खबर के मुताबिक रूस ने ईरान के ड्रोन की तकनीक को पहले समझा और अब खुद ही इस आत्मघाती ड्रोन को तैयार करने में जुट गया। इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आजादी के जश्न के दौरान हंगामा हो गया। आरोप है कि एक स्कूल में कुछ लोगों ने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया तो उन्होंने स्कूल के शिक्षकों से मारपीट शुरू कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सामने आए वीडियो में कई लोग मारपीट करते दिखाई दिए। आरोप है कि कुछ लोगों ने स्कूल पर पत्थरबाजी भी की। हालांकि जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को मिली, वो वहां पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों पर सख्ती बरतते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक उस स्कूल में 15 अगस्त के मौके पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसे देखने के लिए कुछ बाहरी लोग स्कूल में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब स्कूल प्रशासन ने उन्हें अंदर जाने से रोका तो उन्होंने हंगामा करते हुए मारपीट शुरू कर दी, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस बीच जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आजादी का जश्न मनाया गया। वहां के लाल चौक पर लोगों ने सड़क पर इकट्ठा होकर 77वें स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाया, जिसके लिए वहां के लाल चौक पर झंडा फहराया गया और वहां से सामने आई तस्वीरों में लोग सड़क पर नाचते गाते दिखे। लोग स्वतंत्रता दिवस की खुशियों में सराबोर दिखे। हर उम्र के लोगों ने वहां जोश और उत्साह से देश की आजादी का जश्न मनाया। इस दौरान लोग हाथों में तिरंगा थामे भी नजर आए। जितने भी टूरिस्ट हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से वो यहाँ पे आ रहे हैं और तिरंगा फहरा रहे हैं, और आज जो इंडिपेंडेंस डे है उसकी सेलिब्रेशंस यहाँ पे मना रहे हैं।